क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज है, ध्यान से समझना। कहता है इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, m माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन m की जगह क्या रखना है, 2, तो हम रखेंगे 2 माइनस 2 और आंसर आ जाएगा 0, खत्म। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये कहता है 3m माइनस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन 3 इंटू m की जगह वैल्यू क्या रखनी है, 2 और माइनस में 5, 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1, फिनिश आंसर। थर्ड पार्ट 9 माइनस 5m है, तो 9 माइनस 5 m की जगह m की वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू 2, तो मल्टीप्लाई 2, 9 माइनस 5 2 जा 10, 9 माइनस 10 क्या होगा माइनस 1। फोर्थ पार्ट 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, थोड़ा बड़ा है लेकिन वैसे ही करना, 3m की जगह ब्रैकेट ले लो 2 और स्क्वायर कर दो, माइनस 2 ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दो, अब हैबिट चेंज, मल्टीप्लाई का साइन डालने को जाए ब्रैकेट, बात तो वही है मल्टीप्लाई करना है, 3 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 7, 3 4 जा 12 माइनस 4 माइनस 7, 12 माइनस 7 8, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 7 1, तो ये 1 आपका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट 5m अपॉन 2 माइनस 4, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 माइनस 4, m की वैल्यू 2 थी ना, तो m की जगह 2 रख दिया, इस 2 से 2 कैंसिल डिवाइड हो जाएगा, बचा सिर्फ 5, तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 आंसर होता है 1, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। बिल्कुल आसान था और जरूरी बहुत था, हर क्लास में इस तरह से वैल्यू पुट करके सोल्व करने के क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं सीखोगे तो आगे दिक्कत होगी। क्वेश्चन सेकंड देखो, इफ p इक्वल टू माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4p प्लस 7, तो p की जगह क्या रखना है माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4p की जगह माइनस 2 प्लस 7, ब्रैकेट लगाने का ये फायदा है ना, मल्टीप्लाई लगाते तो दो साइन एक साथ हो जाते, अच्छा नहीं लगता, 4 2 जा 8 और आगे माइनस का साइन और प्लस में 7, माइनस प्लस माइनस, 8 माइनस 7 1, बड़े के सामने माइनस है तो यहाँ भी 1, ये आपका आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, तो माइनस 3p की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 7, माइनस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 8 और प्लस में 7, 4 3 जा 12 आगे माइनस है माइनस 8 है प्लस 7, सॉल्व करेंगे माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, माइनस 20 प्लस 7 देखो माइनस 20 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस, तो 20 माइनस 7 13, बड़े के सामने माइनस है तो यहां भी माइनस। थर्ड पार्ट माइनस 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, माइनस 2p की जगह माइनस 2 की क्यूब, माइनस 3p की जगह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4p की जगह माइनस 2 प्लस 7, आधे नंबर का काम तो हो गया तुम्हारा। देखो आप वैल्यू एग्जैक्ट रखो उसकी जगह ब्रैकेट बना के, फिर देखो माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 2 की क्यूब क्या होगी, मैं अलग से करके दिखाता हूँ, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस 2 को जब तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 आएगा, तो ये रफ वर्क में मैंने तुम्हें करके दिखा दिया माइनस 8।
माइनस थ्री, माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू इंटू माइनस टू, टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस फोर आएगा, तो ब्रैकेट में फोर। अब फोर टू जा एट, प्लस माइनस माइनस प्लस सेवन, एट टू जा सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस का माइनस एट और प्लस सेवन, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व फोर, माइनस एट प्लस सेवन, फोर माइनस एट माइनस फोर प्लस सेवन, माइनस प्लस माइनस यानी थ्री, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस थ्री, ये आपका आंसर है। ये प्लस लगाओ या ना लगाओ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मामा। क्वेश्चन थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 2x माइनस सेवन, तो 2x की जगह क्या रखना है, माइनस वन माइनस सेवन, टू वन जा टू, तो माइनस टू माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस, टू प्लस सेवन नाइन, बड़े के सामने माइनस तो माइनस। सेकंड पार्ट माइनस एक्स प्लस टू, तो माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, ब्रैकेट लगा के माइनस वन रखो, प्लस में टू, माइनस माइनस प्लस यानी वन प्लस टू, आंसर आया थ्री। थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह माइनस वन क्वेश्चन में दे रखा है, स्क्वायर कर दो, प्लस टू एक्स की जगह फिर ब्रैकेट लगा के माइनस वन प्लस वन, माइनस का स्क्वायर प्लस, वन का स्क्वायर वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन, प्लस माइनस माइनस, टू वन जा टू प्लस वन, वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन यानी जीरो आपका आंसर। फोर्थ पार्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो टू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस में माइनस वन और माइनस टू, एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दी हमने, टू माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस माइनस प्लस वन और ये माइनस टू एज इट इज, टू वन जा टू प्लस ये वाला वन और माइनस ये वाला टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस टू वन आपका आंसर है। क्लियर है।